देश कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स के सम्मान में लगा हुआ है, वहीं पे ये कलेक्टर साहब डॉक्टरों के अपमान में लगे हुए। हेलो, यू आर नॉट वायलेटिंग द टाइमिंग। व्हाट टाइम इज द नाइट कर्फ्यू? नाइट कर्फ्यू इज 10, बट इफ द ऑस्पिशियस टाइम इज 11, देन व्हाट कैन देन यू डू एट योर होम इनसाइड योर रूम, नॉट इन अ मैरिज हॉल। यू प्लीज रीड 144 ऑर्डर केयरफुली। यू सीम टू बी एन एजुकेटेड मैन, डोंट टॉक लाइक अ ब्लडी विलेजर एन एजुकेटेड पर्सन। सर डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, आई एम अ सर्जन। ओके, यू कैच होल्ड ऑफ दिस गाय ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक 720। कोई ईगो इनका जो एटीट्यूड है वो क्लियर शो हो रहा है। इसके साथ ही इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने एक अभद्रता और कर दी। बुजुर्ग ये पंडित जी हैं, इनके साथ भी देखो थप्पड़ मारा इस इनमें बुजुर्ग में। चलो बाहर निकलो, सभी लोग बाहर निकलो, बैंड बाजा बाहर। अब इन्होंने महिलाओं के साथ भी अभद्रता, जब न्यूज के एजेंसी के हाथ लगा तो सरकार पे दबाव बना। सरकार के पे दबाव बनते ही ये कल की घटना है, न्यूज में काफी ज्यादा ट्रेंड भी चला है, देख सकते हैं आप गूगल पे जो सर्चेज हैं। ट्विटर पर भी बहुत सारे लोगों ने हमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई लोगों ने ये तक बोल दिया कि ये आरक्षण की दम पे बना हुआ कलेक्टर है, आरक्षण की दम पर उनको पता नहीं रहता है, उनको सिर्फ यही एटीट्यूड ही दिखता है। जो अपनी मेहनत से बनते हैं उनको मेहनत की कद्र होती है और वो सम्मान करना जानते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? कलेक्टर साहब का क्या सही व्यवहार था या गलत व्यवहार था? कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये कल की घटना है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी इस घटना पे बात करना, इसलिए मैं अभी मेडिकल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ला पाया हूँ। पर आपको लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं लाइव आऊँगा आज वीडियो में शाम के समय। तो अगर आपको लगता है कि आपको डिसीज़ के बारे में कोई मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं लाइव आऊँ क्या। आपके सभी लोगों से आप लाइव बात करूँगा, सब लोग आप बात कर सकते हैं। तो शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में मैं कभी भी लाइव आ सकता हूँ, अगर आप लोगों ने लाइक किया वीडियो और कमेंट में मुझे बताया कि मुझे लाइव आना चाहिए क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।